बुलंद शहर की नगर पालिका परिषद सियाना में सीसीटीवी कैमरे में गमला उठाते हुए पूर्व सभासद कैद हो गए, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई। बुलंदशहर नगर पालिका से गमला उठा ले गए पूर्व सभासद। दरअसल आपको बता दें कि मामला सियाना कस्बे के नगर पालिका कार्यालय का है, जहां पर नगर पालिका के पूर्व सभासद ने नगर पालिका कार्यालय से गमला चोरी कर लिया। पूर्व सभासद का गमला चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शनिवार को मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक सवार दो लोग नजर आ रहे हैं, पालिका परिसर में गमला उठाकर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहा आरोपी पूर्व सभासद है। नगर पालिका ईओ सेवाराम राजभर ने बताया कि नगर पालिका परिसर से गमला उठाने का मामला संज्ञान में आया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कराई जा रही है। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, फिर समाचार 24। मैं यहाँ 24-25-26-27 में लखनऊ ट्रेनिंग में गया था। वहाँ जब आया हूँ तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कोई व्यक्ति गमला ले गया, क्योंकि यहाँ कैमरा लगा हुआ चारों तरफ है। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया तो उसमें स्पष्ट पता चला कि ये भूतपूर्व मेंबर हैं श्री अजय कुमार लोधे जी और वर्तमान की पत्नी भी हैं सभासद। फिर मैंने उनके पास फोन मिलाया कि क्या ये गमला ले गए हैं, क्या चेयरमैन साहब जानकारी में है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, क्या बताने की जरूरत है हमके, न आपने मुझे बताया न चेयरमैन को, तो मनमाने तरीके से सरकारी संपत्ति है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो बहुत काम ऐसा होता है, हम अभी पोल नहीं खोल रहे हैं। और मैंने कहा आप चोरी और सेना जो दोनों करो क्या, कहने जो करना हो कर लो। फिर मैंने उससे सीसीटीवी कैमरे का था जो फुटेज निकाला और मैंने दूसरे दिन भी एक थाने में तहरीर भी दिया है। एक तो ये गलत कहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। दूसरे वीडियो मैंने जो देखा, दो आरोप उनका लगा है। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको आम दिया था और घेवर दिया था। देखिए, एक तो मैं 6 महीना से ज़्यादा हो गया मुझे आए, सियाना की जनता में एक प्रकार से आम केवल एक वस्तु नहीं, वो प्रेम की चीज़ माना गया है। लोग अपना प्रेम बस देते हैं, ज़बरदस्ती भी देते हैं, वैसे में बहुत मीठा मुझे मना ही भी रहता है। तो मैं अपने जो लड़का रहता है आवास पर, मैंने पता भी किया क्या कोई कुछ दिया आम या घेवर। तो बच्चे ने बताया नहीं, घेवर तो नहीं कहा, लेकिन आम उनका कोई रिश्तेदार जो है वो मेरा यहाँ कर्मचारी भी, उसने एक दिन दिया था। तीसरे उनका जो आरोप रहा कि जमीन अधिक रेट पर लिया गया है। जमीन लेने से पहले भरी मीटिंग में डीएम साहब ने कहा भी था कि कोई ठोस काम करिए, जमीन उमीन न हो तो उसको लीजिए। उसमें सभी जिले के, अपने जिले के सभी चेयरमैन भी थे, अपने भी चेयरमैन साहब थे श्री ऋषिपाल जी और सभी जो भी थे। हम लोगों ने उसी के तहत जो है एस डी एम साहब की मध्यस्थता में, एस डी एम साहब श्री अरविंद कुमार सिंह थे, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड के बहुत दिक्कतें आते थे, कूड़ा इधर उधर फेंका जा रहा था, आमजन की समस्या भी थी। और पेपर में निकाल के हम लोगों ने सर्किल रेट से कम पे हम लोगों ने और बहुत बड़ा अनुरोध किया गया, तो उसने 3 लाख रुपए कम भी किया। जो आरोप इनका कहना कि 36 लाख की जमीन 52 लाख में ली, अभी भी हम लोग के लिए अग्रीमेंट किए हैं, अगर कोई देना चाहता है, मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा, अगर कोई 36 लाख जमीन देना चाहता है लगभग 10 बीघा, तो आज भी हम लोग पुराना वाला। मैं अजय कुमार लोधी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सियाना, सभासद पति सावित्री देवी जो निवर्तमान में सभासद हैं और वो निर्घोष सदस्य जिला योजना के सदस्य हैं। मैं लगभग पिछले 28 साल से नगर पालिका प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूँ और जो मुझ पर गमला चोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके संबंध में मैं कुछ अपनी सफाई देनी चाहूँगा। मैं 23 तारीख को यो साहब से मिला, हमारी वार्ता हुई, इन्होंने बहुत सारे हमने मुद्दे उठाए विकास के। उसके बाद में हमने कुछ अति संवेदनशील मुद्दे उठाए, जैसे इन्होंने अपने एक नगर पालिका में चोरी हुई है ट्यूबवेल पे, उसकी 2.5 महीने से इन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई, जबकि दूसरे कर्मचारी ने शिकायत बतौर ऑन रिकॉर्ड करी है। एक हाईवे, नेशनल हाईवे पे अवैध निर्माण हो रहा है, जिसके NOC 65 फुट पर मिलती है और वहाँ उन्होंने 40 फुट पर बिल्डिंग बनवा दी। इन मुद्दों को लेकर हमारी कई बार झड़प भी हुई है, मगर आज तक कोई भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने बाद में बताया कि मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ और छुट्टी पर आने के बाद में तुम्हें तुम्हारी समस्या हल करूँगा। फिर मैंने इनके लिए 24 तारीख में लगभग 2,200 रुपये का गिफ्ट दिया, क्योंकि हमारे यहाँ आम का सीज़न चलता है। जब मैं इन्हें 2,200 रुपये गिफ्ट दे रहा हूँ, तो क्या मैं वहाँ से पालिका से 200 रुपये गमला चोरी करके लाऊँगा? उसका ऑन रिकॉर्ड जब इन्होंने, 24 तारीख की बात है, इन्होंने ये वीडियो वायरल करी है 4 या 5 तारीख में। हमारा कहना ये है कि ये उस 23 तारीख से लेकर 25 तारीख की वीडियो जारी कर दें, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
इसमें नगर पालिका में ईओ अपनी हठधर्मिता पे इतना उतारू है कि किसी भी बोर्ड के सभासद को सम्मान नहीं देता किसी के। मैं चूंकि मैं सबसे पुराना सभासद हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी जानकारी भी है। मैं जिस तरह पेशेंट से वार्ड में विकास के लिए मांगता हूँ तो ये वार्ड के नाम पर एक रुपया जारी करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने वार्ड में चैनल खुद अपने पैसे से लगवाए हैं और इन्होंने नगर पालिका का पैसा 10 लाख रुपये कम से कम अपने कमरे में लगवा दिया जिसमें बैठते हैं और बिना टेंडरों के लगवा दिया 10 लाख बिलिंग पे एक ही कमरे में। क्या एक कमरे के टेंडर नहीं होने चाहिए 10 लाख के? इन्होंने अपने आवास पे जो इनका आवास दे रखा नगर पालिका ने 10 लाख रुपए से ज़्यादा उसमें लगवा दिए और जो लोग मेंबर सीधे साधे मेंबर जो विकास के नाम पर पैसा मांगते हैं उसको जो है बुरी नज़र से देखता है और एक रुपया जारी करने को तैयार नहीं है। वार्ड में तरह तरह मची हुई है सबके में, चैनल टूटे पड़े हैं, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। आज तक के ऑन रिकॉर्ड देख लो कितने लोगों ने मांग कर रखी हैं जो सब डाक रजिस्टर में चढ़े हुए हैं। हमारे चेयरमैन साहब बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं, उनकी भलमन साथ का ये फ़ायदा उठा के अपनी तानाशाही दिखा रहा बोर्ड में और चेयरमैन में। इसने फूट डालो राजनीति कर रखी है, फूट डालो शासन करो की नीति पर काम कर रहा है। चेयरमैन साहब को गुमराह करके इसने एक नगर पालिका में कूड़ा डालने के नाम पर एक जमीन ली जिस जमीन का सर्किल रेट 5 लाख रुपए बताया जा रहा है और उसके बराबर वाला एक 40 फुट गहरा गड्ढा है वो भी 5 लाख रुपए का इसने खरीदा है। उसमें हमें घोर अनियमितता का संभावना है। अगर हमें 5 लाख रुपए सर्किल रेट पर जमीन लेनी थी तो हमें ऊंचा वाला खेत क्यों नहीं लिया गया जिससे कि हम कम से कम भी 75% पैसे की मट्टी हम बेच देते जिससे हमारी पालिका की संपत्ति में बहुत ही इजाफा होता। हम ऐसे अति संवेदनशील मुद्दों को उठाते हैं तो हमें सबक सिखाने के उद्देश्य से इसने ये षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा है। मेरी तो सीधी सीधी मांग आपके माध्यम से ये है कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो और जो भी उचित कार्रवाई हो अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरे खिलाफ एफआईआर का मुकदमा कायम करा जा, अगर ये दोषी हो तो इसके खिलाफ मुकदमा कायम करा जा।